भी बचे हैं एक और मैं हूँ यहाँ एक अकेली बच्ची। 125 120 हो गए हैं वहाँ पर तब तक तो। एंड मैं पहुँच गई हूँ दिल्ली, वहाँ पता है भुवनेश्वर में हीटर भी यूज़ नहीं करते थे, एसी यूज़ करते थे, हीटर की जगह पंखा यूज़ करते थे। फैन हीटर फैन और एसी हमेशा उधर ही चलेगा। मैं देखा है मैं इवन कदम नहीं रखती थी उस पंखे में, एंड यहाँ पे आज मैं पंखे पे कदम रखने की सोच भी नहीं रही हूँ। देखो मेरे पास इतना मोटा कंबल है तो आप लोग समझ गए होंगे कि है ही मैंने कंबल रखा, मैं दिल्ली आ गई। बट आज मैं बहुत रोई हूँ, देख आपको मेरे यहाँ पे आइस ही पता चल रहा होगा कि मैं रोई हूँ। लिटरली मुझे बहुत दुखी लग रहा है कि मैं मेरे परिवार से अलग हो गई हूँ। हाँ तो गाइस कुछ नहीं होता, ऐसा होता ही है, आप लोग भी होते हो ना तो कभी रोना मत, होता है सबके साथ ऐसा। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है ऐसा किसने कहा है, नानी नानो का तो हार्ट अटैक आया था, बस दादी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, हो जाएगा वो ठीक, बस ठीक हो गई है ना, 2-3 महीने में उनको ठीक होना पड़ेगा। मेरे एग्ज़ाम है मुझे वो भी तो देना है ना, अब कौन क्या कर सकता है। तो दादी के पास जाऊँगी, मार्च में मेरी शादी भी है, मैं उनको ब्रेन स्ट्रोक क्यों हुआ वो मैं आपको बता दूँ। मैंने आधी स्टोरी बताई थी मैं भुवनेश्वर क्यों आई थी दिल्ली नहीं आकर, एंड मैं इतना टाइम से वीडियो क्यों नहीं बना रही थी। तो मैं दिल्ली यहाँ पर अगर आई गया तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे बड़ी बात है मैं मेरी दादी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, हमने ना मेरी जो कज़न है पप्पू भैया, मतलब हमने देखा होगा मेरे घर पर भी आते हैं वो, तो उनकी शादी होने वाली थी बस, तो वहीं उनको लगा, उनके पास शादी कल ही थी, आज January 26th है, अब उनकी शादी कल होने वाली थी बट बदल गया प्लान। मेरी दादी इतना एक्साइटेड हो गई थी, मतलब 9 महीने पहले से वो थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी, फिर नवंबर को शुरू किया उन्होंने, बहुत तेज एक्साइटेड हुई। दिसंबर में उनका बीपी हाई होने लगा, उन्हें मेरी छोटी मम्मा ने कहा कि बस तो कि पता नहीं क्या बोला जो मुझे निकल बोल दिया कि ज़्यादा एक्साइटमेंट तो हो मत, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो तो आपका बीपी और हाई हो रहा है, एंड कुछ हो जाएगा तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो फिर क्या हुआ, सीधा January 1, हमारे पास January 10 हो रहा था तब, लकली आई थिंक January 10 हो रहा था, 12-11 आई थिंक January 10 ही हो रहा था, यस January 12-11 तक बीच में हो रहा था मुझे बताया, बस 20 नहीं हो रहा था, 20 के ऊपर ही हुआ होगा।